जल ही जीवन है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब मंडला मेकल की तरफ से ब्लड बैंक जिला मुख्य चिकित्सालय को जनता की सुविधा और मरीजों एवं रक्तदाताओं की प्यास बुझाने, ठंडा शुद्ध पानी उपलब्ध कराने, वाटर कूलर एवं प्यूरीफायर लगाया। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह वाटर कूलर बंद कबाड़ जैसा पड़ा है। 3 मार्च को राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के सदस्यगण रक्तदान करने चिरा अस्पताल ब्लड बैंक पहुंचे। तब कुछ लोगों को रक्तदान के बाद गर्मी के चलते प्यास का एहसास हुआ। ठंडा पानी पीने की चाहत में वाटर कूलर के पास पहुंचे पानी नहीं निकला, तब यह बात सामने आई। विश्वस्तर सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह ठंडे पानी की मशीन महीनों से बल्कि उद्घाटन से 2-3 माह चलने के बाद बंद पड़ी है और गर्मी का आगाज हो चुका है, फिर भी प्रबंधन का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। जबकि उसी जगह किचन सेट है जहां मरीजों के परिजन भोजन पकाते हैं, जिन्हें खाना बनाने के लिए भी पानी दूर से लाना पड़ता है। मरीजों के परिजन एवं रक्तदाताओं समाज सेवियों ने अस्पताल प्रबंधन से इस वाटर कूलर एवं प्यूरीफायर मशीन को जल्द से जल्द संचालित करने का आग्रह किया, ताकि हर मौसम में पानी उपलब्ध हो सके। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। पानी पीने के लिए आए हैं और ये वाटर कूलर है, क्या इसमें आपको पानी मिला? क्या नहीं मिला? नहीं मिला, बंद पड़ा हुआ, चालू करके देखा, चालू नहीं हुआ। रोटरी क्लब से क्या आप पानी पीने के लिए आई हैं वाटर कूलर में? जी हाँ, देखा कि हाँ वाटर कूलर लगा हुआ, तो मैंने कि गर्मी वैसे ही बढ़ रही है, तो बोले पानी होगा इसमें, देखा तो इसमें पानी ही नहीं है। तो क्या मतलब लगाने से, यहाँ खाली बेकार पड़ा हुआ है, कचरा हुआ है वो तो। ये वाटर कूलर रोटरी क्लब से है, रुक जाओ आइए मैडम।